हमारी ना एक दिक्कत है, हमने पढ़ना छोड़ दिया है, उसमें भी इतिहास को पढ़ना और उससे सीखना छोड़ दिया है। विंस्टन चर्चिल ने अपने वेस्टमिंस्टर पार्लियामेंट के अभिभाषण में कहा था, दोज हु सीज टू लर्न फ्रॉम हिस्ट्री आर कंटेम्ड टू रिपीट इट। मतलब जो लोग हिस्ट्री से वो पढ़ना, उसको सीखना, उससे आगे के परिदृश्य को समझना छोड़ देते हैं, वो उसको दोहराने के लिए अभिश्रापित होते हैं। आज बात ऐसे ही इतिहास की और इतिहास के चश्मे से आज के परिदृश्य को देखने की और उसे समझने की। साल 1947, जहां भारत एक ओर खुली हवा में सांस ले रहा था, वहीं पूरी दुनिया दो धड़ों में बट गई थी। ये दौर था शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर का। इस कोल्ड वॉर के चलते यूएसएसआर और अमेरिका में परस्पर कई सारे मुद्दों को लेके एक द्वंद्व चल रहा था। चेरनोबिल, स्टार वॉर्स, चांद पे जाने की रेस, अफगानिस्तान में एक कमर तोड़ युद्ध से यूएसएसआर निकल रहा था, जिसके चलते यूएसएसआर की गवर्नमेंट पे बहुत ही ज़्यादा वित्तीय कोषीय दबाव था। यूएसआर जो कि एक सेंट्रली प्लान्ड इकॉनमी थी, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग से लेके प्रोडक्शन तक और उसके डिस्ट्रीब्यूशन तक सब कुछ सरकार मॉनिटर और गवर्न करती थी। इस सारे प्रकरण के चलते, उस वित्तीय कोषीय दबाव के चलते, उसके लोगों के ऊपर बहुत ही बुरी गाज आकर गिरी। और क्योंकि सोवियत यूनियन एक सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी था, जिसका मतलब कि गवर्नमेंट क्या प्रोड्यूस होगा, क्या प्राइस होगा, किस्ते पे क्या बनेगा, ये सब गवर्नमेंट डिसाइड करती थी। इस सब के चलते सोवियत यूनियन की जनता, आम लोग घुन की तरह इस सब के बीच में पिस रहे हैं। आम रोज़मर्रा की तौर की ज़रूरतों की चीज़ें भी बहुत महंगे दाम पर मिल रही थी। ब्लैक मार्केट इकॉनमी अपने रूज पे थी। लोगों को सस्ती सस्ती चीज़ें खरीदने के लिए भी महंगी कीमत, मोटी कीमत चुकानी पड़ रही थी। गवर्नमेंट के पास फंड्स नहीं थे और कमांड इकॉनमी के चलते लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो गए। दुकानें खाली पड़ी थीं, ब्लैक मार्केट इकॉनमी बढ़ने लगी थी और रोज़मर्रा की चीज़ें भी बहुत महंगे दामों पर मिल रही थीं। 1989 में बर्लिन की दीवार गिरने के बाद पॉलिट ब्यूरो के लोगों को ये समझ आ गया था कि सोवियत संघ भी बहुत दिनों तक नहीं टिकेगा। पॉलिट ब्यूरो मतलब कम्युनिस्ट पार्टी का सीपीयू, जो सारे डिसीजन लेता था। पॉलिट ब्यूरो के लोगों ने अपने सेफगार्ड के लिए, अपने सिक्योरिटी के लिए अपना पैसा ऑफशोर अकाउंट में ट्रांसफ़र करना शुरू किया और खुद की सुरक्षा को सुनिश्चित किया। एक सोशलॉजिस्ट थे, नाम था डरखाइन। उनकी थ्योरी है बहुत फेमस, डरखाइन डिवियंसी थ्योरी, जिसमें उन्होंने बताया कि किसी भी समाज में कब डिवियंसी उखड़ के आती है। डिवियंसी बोले तो रेजिस्टेंस, जो अपनी यथास्थिति है उससे कब बाहर निकल के आता है व्यक्ति। तो उनका ये मानना था कि किसी भी समाज में डिवियंसी तब आती है जब कोई व्यक्ति अपनी यथास्थिति से समझौता नहीं करना चाहता, वो उसे तोड़कर बाहर आना चाहता है। दौर था 1990 का। 1991 में बाबा डरखाइन की थ्योरी का प्रैक्टिकल सामने आया। कम्युनिस्ट पार्टी में तख्तापलट किया गया। करने वाले पार्टी मेंबर्स ही थे जो कम्युनिज्म को दोबारा अपने उरूज पे ले जाना चाहते थे। हिंदी में परम वैभव और अंग्रेजी में टू मेक रशिया ग्रेट अगेन। लेकिन ये विद्रोह बुरी तरह फेल हुआ और यूएसएसआर का बल्कनाइजेशन हो गया। बल्कनाइजेशन मतलब एक पर्वत श्रृंखला है जो एड्रियाटिक सी से ब्लैक सी तक जाती है। इस एरिया के ज़्यादातर जितने भी देश हैं, उनको ये देखा गया है कि उसमें भाषा और जो कल्चर है वो इतना विविध है, इतना डिफरेंस है, उसमें इतनी डाइवर्सिटी है कि ये लोग साथ रह ही नहीं सकते। ऐसा ही कुछ भारत के लिए भी कहा गया था, क्योंकि भारत में भाषाएं इतनी अनेक हैं, इतना अलग अलग कल्चर है। तो भारत के लिए भी जब यहाँ से विंस्टन चर्चिल छोड़ के गए थे, रेडक्लिफ लाइन खींची थी पाकिस्तान से, तो उन्होंने भी ये कहा था कि भारत जो है वो कुछ अगले 10 साल में बल्कनाइज हो जाएगा। और भारत ने अपने आप को संगठित करके रखा और यूएसएसआर इतना लकी नहीं था। वहाँ बल्कनाइजेशन हुआ, जिसका नाम वहाँ की पर्वत श्रृंखला के ऊपर रखा गया, एड्रियाटिक सी से लेकर ब्लैक सी तक है। ये बल्कनाइजेशन होने के बाद यूएसआर छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गया। कुल 32 ऐसे छोटे छोटे देश थे, और जिसमें सबसे बड़ा देश था, जिसके पास कम से कम 50% हिस्सा लैंडमास का है, वो था रशिया। पर रशिया को ना केवल सबसे बड़ा हिस्सा और 50% जनसंख्या मिली, पर विरासत में मिला करप्शन और पॉलिट ब्यूरो के लोगों का ऑफशोर अकाउंट्स की धांधली। विभाजन के बाद अलग अलग देशों में ये जो ऑफशोर अकाउंट्स का पैसा था, ये अलग अलग लोगों के हाथ में लगने लगा, जिसके चलते एक हैवी करप्शन बाहर आया। आज़ाद रशिया के पहले प्रेसिडेंट बने बोरिस येल्त्सिन, एक प्रो कैपिटलिस्ट आज़ाद रशिया का, आज़ाद तो नहीं कहेंगे, विभाजित रशिया का पहला प्रेसिडेंट बनता है। और रशिया गुजरता है शॉक थेरेपी से। शॉक थेरेपी बोले तो अचानक से मार्केट को ओपन कर देना, सबके लिए हर चीज़ एक्सेसिबल कर देना, ताकि मार्केट अचानक से बूम हो जाए, वो आगे बढ़ने लगे। पर बहुत ज़्यादा अनप्लानिंग के चलते, बिना प्रॉपर गाइडेंस के चलते, जो लोग ज़िंदगी भर कैपिटलिस्ट रजीम के खिलाफ, जिनको ये बताया जाता था कि कैपिटलिस्ट रजीम ख़राब है, अमेरिकन विद्रोही हैं, उनका जीवन ख़राब उनकी वजह से हो रहा है, उनको वही काम करना पड़ रहा था। तो जो रशिया के आम लोग थे उनको ये चीज़ हजम नहीं हो पा रही थी, जिसके चलते रशियन गवर्नमेंट ने वाउचर सिस्टम निकाला, जिसके चलते जो इन्फ्लुएंशियल लोग थे, बड़े बड़े पदों पे बैठे थे, जिनके पास पैसा था, माफिया था, इन लोग को बड़ी बड़ी कंपनीज में शेयर मिल गए। वाउचर सिस्टम में क्या होता था कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती थी, ऑयल कंपनीज हैं या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, इन सब के वाउचर्स निकाले गए। उस वाउचर के बदले कोई भी पैसे दे के वाउचर खरीद सकता था और उस कंपनी में उसकी हिस्सेदारी हो जाती। क्योंकि लोगों को इस विषय में ज़्यादा पता नहीं था, जानकारी इतनी ज़्यादा बाहर नहीं थी, तो जो इन्फ्लुएंशियल लोग थे, माफिया थे, गुंडे थे, बदमाश थे, पोलिटब्यूरो के लोग थे, पॉलिटिशियंस थे, इन सबको ये सब पता चला और उन्होंने पैसा लगा के ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी, चिंदी के भाव में इनको खरीद के इनके मालिक बन गए। ये सब बने रशिया के ऑलिगार्क्स। ऑलिगार्क्स वो जिनके पास पैसा था, सत्ता थी। ऐसे ही 7 बड़े बड़े लोग थे जिनके पास सारी सत्ता, जिनके इर्द गिर्द घूमती थी। इसी दौरान रशिया में एक नया चेहरा भी उभर कर आ रहा था। 1999 रशिया में सीरियल बॉम्बिंग होती है, चारों तरफ बम फटते हैं। उस समय रशिया के प्रधानमंत्री थे व्लादिमीर पुतिन, जो आज रशिया के प्रेसिडेंट हैं। व्लादिमीर पुतिन एक हैवीवेट नेता थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे, टीवी पे आके नेशनलिज्म दिखाते थे। हैवीवेट नेताओं का एक बहुत सामान्य हथियार होता है नेशनलिज्म। आप समझ रहे होंगे कि आज के परिदृश्य में वो कौन है। तो ऐसा ही कुछ उस समय हुआ। रशिया में 80% लोगों के घर में कम्युनिज्म के चलते टीवी तो थे ही और एजुकेशन भी ठीक ठाक थी। तो पुतिन जो टीवी पे आके बड़े बड़े भाषण देते थे, उनकी पॉपुलैरिटी 2% से बढ़ के 45% तक हो गई। लोग उनको लोकप्रिय मानने लगे, लोग उनको उनकी तारीफ करने लगे। और 2003 में बोरिस येल्त्सिन ने पुतिन को अपनी गद्दी पे बैठाया और उनको रशिया का प्रेसिडेंट बनाया। 2003 में ही जो सबसे अमीर ऑलिगार्क थे, उनमें से सबसे अमीर माइकल खोदोरोव्स्की पुतिन को पसंद नहीं करते थे। इसके चलते वो आए दिन पुतिन के एंटी लोगों को, उनके खिलाफ एंटी कैंपेन करने वाले लोगों को फंड करते, उनको आगे बढ़ाते। ये देखते पुतिन को गुस्सा आया और उन्होंने माइकल खोदोरोव्स्की को जेल में बंद कर दिया। रशिया में एक सिस्टम होता है कि जब ट्रायल चलता है तो जो अक्यूज होता है वो जेल के पीछे रहता है, सलाखें होती हैं, उसके पीछे जो ट्रायल झेल रहा होता है वो खड़ा होता है। पुतिन ने इस पूरे प्रकरण को लाइव टीवी पर दिखाया और ये दिखाया कि असली बॉस कौन है। इसी समय ऑलिगार्क्स पे कब्जा करने के बाद पुतिन ने जो उस समय का प्राइवेट न्यूज़ चैनल था, जिसकी सबसे ज़्यादा रीच थी, उस पर भी रशियन आर्मी भेज के कब्जा किया और मीडिया पे भी अपना वर्चस्व बना लिया। धीरे धीरे रशिया में पुतिन का राज होता गया और पुतिन का मतलब रशिया हो गया और रशिया का मतलब पुतिन। आप देख रहे होंगे कि आज के परिदृश्य में भारत में और रशिया में क्या समानता है। मैं मोहित अशोक हूँ, ये टिप्पा है और ये कहानी थी रशिया, पुतिन और ऑलिगार्क्स की। आपने अपना अगल बगल देखिए, हो सकता है किसी विचारधारा से आते हो, किसी भी नेता को सपोर्ट करते हो, पर सोच समझ के चलिए, अपने इतिहास को पढ़िए, उससे सीखिए और समझिए। अगर इतिहास से सीखेंगे नहीं तो उससे दोहराने के लिए विस्थापित होंगे। नमस्कार।